CD2. Today I introduce subject English. Page number 9. आज हम read करेंगे page number 9. Today I introduce three letters words. मतलब तीन letters मिला के एक लफ्ज बनता है जैसे कि three letters words. अब आज हम वो पढ़ेंगे और राइम के साथ पढ़ेंगे. राइम्स मीन्स सुर. राइमिंग मीन्स सुर. सुर के साथ पढ़ेंगे. जैसे कि हम आवाज़ होते हैं एक जैसे होते हैं, ये सुर के एक दूसरे के सुर के साथ मिलते हैं. यहाँ पर लिखा हुआ है इन. आई एन इन इज ई ए सी एच इच रो आर ओ डब्ल्यू रो कलर सी ओ एल ओ यू आर कलर द टी एच E the words W O R D word related R E L A T E D related to T O to the T H E the given G I V E N given word W O R D word family F A M I L Y family. अच्छा तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ये फैमिली दी गई है, ठीक है. इसके इसके जो है ना हर रो में ना हमें कलर करना है जो हमें यहाँ पर कलर दिए गए हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें ब्लू दिया गया है, यहाँ पर हमें ब्लैक दिया गया है, यहाँ पर हमें पैरेट ग्रीन दिया गया है, यहाँ पर हमें येलो दिया गया है, यहाँ पर हमें रेड, यहाँ पर हमें पर्पल. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है एट. यहाँ पर हम एट वर्ड्स एडवर्ड्स जो है ना वो देखेंगे कौन से हैं. यहाँ पर मा एट मैट बा एट बेट. यहाँ पर ये हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मेट बेट. इसी तरह से हम आगे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे एन वर्ड्स कौन से हैं, सर्च करेंगे एन वर्ड्स कौन से हैं. एल ए डी लेट ये है एन वर्ड्स नहीं. तो आगे हम जाएंगे पा एन पेन मा एन मैन. यहाँ पर हमने एन वर्ड्स कौन से हैं पेन मैन. यहाँ पर हमें कौन सा कलर करना है ब्लैक कलर करना है. इन दोनों पे हम कौन सा कलर करेंगे ब्लैक कलर करेंगे. अब नेक्स्ट पे हम आएंगे ये कौन सा कलर है पैरेट ग्रीन. कौन सा कलर है पैरेट ग्रीन. यहाँ पर हम ई एन एन वर्ड्स जो है ना वो सर्च करेंगे. यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है पी ई एन पेन. तो यहाँ पर ये एन वर्ड्स है पेन एच ई एन हैन पेन हैन बी ए टी बेड ब ए टी बेड. तो यहाँ पर हमें ये इनके साथ मैच हो रहे हैं नहीं. तो यहाँ पर कौन कौन से मैच हो रहे हैं इनके साथ पेन हैन. तो हम इन पे कौन सा कलर करेंगे पैरेट ग्रीन करेंगे. पेन हैन पे हम कौन सा कलर करेंगे पैरेट ग्रीन. अब हम नेक्स्ट पे आते हैं ये कौन सा कलर है स्टूडेंट्स येलो कलर है. ये कौन सा है येलो, ठीक है. यहाँ पर हम एडवर्ड्स सर्च करेंगे. एडवर्ड्स कौन से हैं यहाँ पर ब एट बेड क यू टी कट ड एट डेड. अच्छा यहाँ पर एडवर्ड्स कौन से हैं बेड डेड. यहाँ पर हम कौन सा कलर करेंगे येलो बेड पे और डेड पे. ये कौन सा कलर है स्टूडेंट्स येलो सॉरी रेड. ये कौन सा कलर है रेड. ये यहाँ पर हम कौन से वर्ड सर्च करेंगे एफ वर्ड सर्च करेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है एम ए एन मैन. ये एफ वर्ड्स तो नहीं है. तो नेक्स्ट पे हम जाएंगे ट एप टेप का एप कैप टेप कैप. यहाँ पर हम कौन सा कलर करेंगे रेड कलर करेंगे टेप पे और कैप पे. ये एफ वर्ड्स हैं दोनों. ये एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं. अब नेक्स्ट पे हम आएंगे आई एन इन. ये स्टूडेंट कौन सा कलर है पर्पल कलर है. यहाँ पर कौन सा कलर है पर्पल. तो यहाँ पे हम कौन से वर्ड सर्च करेंगे इन वर्ड्स पी आई एन पिन पी ई एन पेन टी आई एन टिन. तो इनमें से कौन से कलर कौन से वर्ड्स हैं जो इन वर्ड्स हैं पिन एंड टिन. तो यहाँ पर हम कौन सा कलर करेंगे पर्पल कलर करेंगे. पिन पे करेंगे और टिन पे करेंगे. अच्छा तो आज स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा है राइमिंग्स वर्ड्स. यहाँ पे थ्री लेटर्स राइमिंग वर्ड्स हमने सर्च किए और इन पे हमें क्या करना है कलर करना है. यहाँ पर जैसे कि ब्लू कलर दिया गया है तो यहाँ पर हम मैट और हेड पे ब्लू कलर करेंगे. यहाँ पर हमें ब्लैक कलर दिया गया है तो यहाँ पर एन वर्ड्स पे हम जो है ना पेन और मैन पे ब्लैक कलर करेंगे. यहाँ पर हमें पैरेट ग्रीन कलर दिया गया है तो यहाँ पर एन वर्ड्स पे जैसे कि पेन है और हैन
इस पे हम कौन सा कलर करेंगे, पैरेट ग्रीन करेंगे। अब ये कौन सा कलर है, येलो। यहाँ पर हमने कौन से वर्ड सर्च किए हैं, एडवर्ड्स सर्च किए। यहाँ पर एडवर्ड्स कौन से हैं, बैड डेड। तो हम यहाँ पर कौन सा कलर करेंगे, येलो कलर करेंगे बैड और डेड पर। ये कौन सा कलर है, रेड। यहाँ पर हम कौन सा कलर करेंगे, रेड कलर करेंगे। तो यहाँ पर अब वर्ड्स कौन से सर्च करने हैं, एफ वर्ड्स। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है टेप केप, ये एफ वर्ड्स हैं। इन दोनों पे कौन सा कलर करेंगे, रेड करेंगे। ये कौन सा कलर है, पर्पल पर्पल। अब यहाँ पर क्या सर्च करना है हमें, इन वर्ड्स सर्च करने। तो यहाँ पर पिन और टिन, ये दोनों इन वर्ड्स हैं। इन दोनों पे पर्पल कलर करना है। स्टूडेंट्स सेम ही तरीके से आप इसको रीड भी करेंगे और इस पर कलर भी करेंगे। टुडे आवर लेसन इज़